नमस्कार साथियों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। लक्ष्य से भटकती एक मुहिम, इसके संपादक हैं अनिल विकास जोशी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बार फिर मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 की शुरुआत हो चुकी है। पहला कॉप सम्मेलन 1955 में जर्मनी के वर्लिंग शहर में आयोजित हुआ था। याद रखिए COP25 हो रहा है मैड्रिड में, और स्तर पहला कॉप सम्मेलन 1955 में जर्मनी के वर्लिंग शहर में हुआ था, और उसके बाद से ये सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के अंतर्गत लगातार आयोजित होते रहते। इस बार के सम्मेलन का मुख्य मकसद बढ़ते प्रदूषण के मुद्दों पर बातचीत करना और यह पड़ताल करनी है कि इससे पहले जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उन पर हम कितने खरे उतरे हैं। यह सम्मेलन पहले ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए, और फिर यह तय हुआ कि यह चिली में होगा, लेकिन वहाँ की अशांति होने के कारण इसके आयोजन की जिम्मेदारी स्पेन ने ले ली। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हमेशा ही पर्यावरण चर्चाओं से कतराते रहे हैं। वे मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा नहीं है, और यह सब कुछ उद्योगों के खिलाफ रचा गया अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ऐसा सोचने वाले वह अकेले राष्ट्रपति नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही इस तरह की गोष्ठियों से किनारा कर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों की सोच के विपरीत अगर संयुक्त राष्ट्र की 3 रिपोर्टों को देखें तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहाँ बाढ़ का असर ना पड़ा हो, या सूखा व चक्रवात जैसी बढ़ती कुदरती आपदाएं ना आई हो। आज दुनिया के करीब 17 करोड़ लोगों पर खाद्य सुरक्षा का संकट भी मंडरा रहा है। याद रखिए 17 करोड़। विश्व में 4 देश कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहली श्रेणी में आते, इनमें चीन पहले स्थान पर। याद रखिए कार्बन के उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है और रूस चौथे स्थान पर है। आज दुनिया में आधे से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन इन 4 देशों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015 में पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते के बाद यह तय हुआ था कि सभी मुख्य देश अपने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाएंगे। इस दिशा में प्रगति दिखाई भी पड़ी, खासतौर पर चीन और भारत ने इस बाबत कई अहम कदम उठाए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। दुनिया भर में खास तौर से उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्रों व इंडोनेशिया जैसे इलाकों के बारे में यह बताया जा रहा है कि वर्ष 2100 के अंत तक 2100 याद रखिए 2100 के अंत तक उनके यहाँ बर्फ के द्रव्यमान में 80% तक की कमी आने की आशंका है। यह वर्ष 2100 के अंत तक कार्बन उत्सर्जन की यह रफ्तार रही। लगभग यही कहानी अन्य इलाकों में भी है। इसका जो सीधा बड़ा असर पड़ने वाला है वह समुद्र के ऊपर होगा, और अभी तक पिछले कुछ दशकों में समुद्री जल स्तर 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। अगर यही हाल रहा तो प्रति वर्ष 3.6 मिलीमीटर की दर से यह बढ़ता चला जाएगा, और 2100 में यह 30 से 60 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में धरती का बहुत कुछ समुद्र में डूब जाएगा। इस बात का संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई बड़ी रिपोर्टों ने दिया है। अब अत्यधिक गर्मी होती है तो उसका 90% हिस्सा समुद्र ही सूखते हैं। इस पर बस 2100 तक समुद्र वर्ष 1970 और आज की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक गर्मी सोखेगा। समुद्र के ताप
क्रम के बढ़ने से उसकी जल क्षमताओं में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों में की कमी हो तो आती है। अम्लीय परिस्थितियां भी पैदा होती हैं जिससे समुद्री जीवन पर सीधा बड़ा असर पड़ता है। हालात जब इतने गंभीर हो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संजीदगी इन बैठकों में दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधी जा सकती। इस दिशा में अभी तक जितनी प्रगति हुई है उसमें कई बड़े देशों खास तौर से ब्राज़ील, अमेरिका, सऊदी अरब ने खुद को पीछे खींच लिया। वे मानती हैं कि इसके लिए उन्हें अपने उद्योगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और वे ऐसा कतई नहीं करना चाहते हैं। इस बार का सम्मेलन भी इन तमाम मुद्दों पर ही किया जा रहा है ताकि किसी तरह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए फैसलों पर अमल हो और हर्जाने के रूप में कॉमन फंड तैयार हो। सवाल 25 सम्मेलनों के कुल जामा हासिल पर भी उठ रहे हैं। कुछ देश अपनी तरफ से छिटपुट कदम उठाने के दावे जरूर कर सकते हैं लेकिन इससे बड़ी कामयाबी नहीं मानी जा सकती क्योंकि इस दौरान स्थितियां लगातार बिगड़ी हैं है। 2 दशक में जलवायु परिवर्तन में हुआ और प्रदूषण बढ़ा ही है जिसमें गर्मी बढ़ी, नदियां सूखी, समुद्र के तापमान बढ़े और ग्लेशियर भी पिघलने शुरू हुए। इसी के चलते कहा जा सकता है कि कॉप सम्मेलन दरअसल आपस में बैठक चिंता जताने का मंच भर रह गया। इसके आगे उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची। इस बीच एक और दिलचस्प अध्ययन सामने आया है। एक अनुमान लगाने की कोशिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के एक कॉप सम्मेलन में कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। अध्ययन का आकलन है कि कॉप के एक सम्मेलन में 60,000 टन कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि जितना 7,000 घर साल भर में उत्सर्जित करते हैं। यह आकलन किसी एनजीओ का नहीं है, यह आंकड़ा पिछले वर्ष पोलैंड में हुए कॉप सम्मेलन के बाद वहां के पर्यावरण मंत्रालय ने ही जारी किया था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए मेहमानों के विमानों से जो उत्सर्जन हुआ है वहां के हवाई अड्डों की सामान्य स्थिति से 80% अधिक था। इसके अलावा 50,000 टन उत्सर्जन सम्मेलन स्थल के लिए आवासीय व बिजली के उपयोग के कारण था। इससे एक बात और सामने आई कि एक ग्रह को बचाने के लिए 20,000 लोगों का एक साथ एकत्रित होना भी उस ग्रह के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि पोलैंड में सम्मेलन के बाद 700 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाकर उस नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई जिससे वे पेड़ 55,000 टन उत्सर्जित गैसों को सोख सके। यह मामला सिर्फ यह है कि इस तरह के सम्मेलनों को अगर प्रभावी नहीं बनाया गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए, ये था हमारा पर्यावरण पर जो संकट छाया हुआ है उसी से संबंधित। दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर एक पेड़ काटते हो तो कम से कम एक लगा तो दिया करो जिससे संतुलन बना रहे पर्यावरण का।